गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा वीडियो है विज्ञान एक कक्षा 10वीं का। जो पार्ट हमारा चल रहा है वो है हमारा पार्ट 10वां, अंतरिक्ष अभियान। और अंतरिक्ष अभियान में इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट हमने देखा हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा क्या होती है, ठीक है। और इसकी अन्य अलग कक्षाएँ हमने यहाँ पर देखी, जैसे हमने उच्च कक्षा देखी, फिर मध्यम कक्षा देखी और निम्न कक्षा देखी। इसकी ऊंचाई के अनुसार हमारा उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, वो किस तरह से कितनी स्पीड से घूमता है, ये सब ये तीनों कक्षाओं में बताया गया। इसके आधार पर आज हम लोग देखेंगे हल किए गए उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण एक दिया गया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ बेटा, कि यदि किसी उपग्रह की कक्षा जमीन के सतह से 35,780 किलोमीटर ऊंचाई पर है तो उस उपग्रह के स्पर्श रेखा का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि एक उपग्रह है कि जिसकी कक्षा जमीन की सतह से 35,780 किलोमीटर ऊंचाई पर है, यानी कि ये उच्च कक्षा में स्थित है, और उस उपग्रह के स्पर्श रेखा का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें v यहाँ पर ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। और v ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो जो जानकारी यहाँ पर दी गई है उसको हम लोग दत्त में लिख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बड़ा G यानी कि कैपिटल G यानी कि ये जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है वो कितना है, 6.67 गुना 10 का घातांक ऋण 11 न्यूटन मीटर वर्ग पर kg वर्ग। और m जो बड़ा m है वो कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 का घातांक 24 किलोग्राम है, है ना। और वही कैपिटल R कितना दिया बेटा, 6400 किलोमीटर, यानी कि ये जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो है 6400 किलोमीटर, और जिसको हम लोग मीटर में 6.4 × 10 का घातांक 6 मीटर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था कि किलोमीटर को मीटर में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। एच यानी कि है बेटा यहाँ पर उपग्रह की भ्रूपृष्ठ से ऊंचाई, वो कितनी है, 35,780 किलोमीटर। और अब हमें उपग्रह का वेग ज्ञात करना है, यानी कि v बराबर प्रश्न चिन्ह। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे r धन h ये जो सूत्र हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ये जो पेज नंबर पर आपको 138 पर यहाँ पे दिया गया है, v बराबर वर्गमूल gm बटे r धन h। तो ये r धन h हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, r और h दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, g और m भी दिया गया है। तो आसानी से हम लोग v यानी के उपग्रह का वेग यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, r धन h यानी के 6400 किलोमीटर धन 35,000 h यानी कितना है, ऊंचाई कितनी है, जिसको हम लोग h यानी के हाइट कहते हैं, 35,780। तो दोनों को प्लस करें तो दोनों को जोड़ने के बाद आपका उत्तर यहाँ पे मिलता है बेटा 42,180 × 10³ मीटर। ये मीटर में हमने इनको बदल दिया है बेटा, ठीक है, दोनों किलोमीटर जो थे वो मीटर में हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। तो अब यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है, v बराबर वर्गमूल gm बटे r धन h का। तो g की संख्या हमने यहाँ पे रख दी, 6.67 × 10³ और गुना m की संख्या हमने यहाँ पे रख दी, 6 × 10², 24, ठीक है, बटे जो हमने अभी r धन h ज्ञात किया हुआ है वो हमने यहाँ पे संख्या लिख ली है, और बराबर वर्गमूल। अब देखिए बेटा, 10³ × 10², 24, तो 24 अब यहाँ पे घातांकों की क्या होती है, धन हो जाती है गुना होने के बाद। तो 24 × 11 यानी कि 10³ और 6.67 × 6 यानी कि 40.02, ठीक है, ये गुणाकार संख्याओं का गुणाकार कर लिया, और यहाँ पे जो घातांक की संख्याएं थी उनको भी हमने 10³ के स्वरूप में यहाँ पे लिख लिया, और बटे 42,180 × 10³, 3 यह संख्या हमने यहाँ पे लिख ली है। अब 40 वर्गमूल 40.02 बटे 42,180 गुना, अब देखिए बेटा 10³ था और नीचे यहाँ पे आपको संख्या दी गई है बेटा 10³, 3, तो ये जब 3 जो ऊपर चली जाती है तो ऋण 3 बनती है, तो 10³ × 13 यानी कि क्या आएगा उत्तर आपका, 10³, 10। और यहाँ पे बराबर वर्गमूल यहाँ पे भाग देना बेटा 40.02 को 42,180 से, तो आपका उत्तर आएगा 0.00094879909 × 10³, 10।
अब देखिए ये जो पूरी संख्याएं हैं ये पूरे 10 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसलिए अगर इसका जो दशमलव चिन्ह है वो हटाना है और 10 का घातांक 10 से अगर इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आता है वर्गमूल 9, 4, 8, 7, 9, 9, सॉरी 9, 9, 0, 9। यानी कि अगर इसे रीड करेंगे तो ये संख्या कौन सी हो जाती है, 94,87,909। इसका वर्गमूल अगर हमने ज्ञात किया तो आपको यहाँ पे वर्गमूल मिलेगा बेटा v बराबर 30,080.245 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड को हमको काय में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे। 10 का घातांक ऋण 30 से इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आता है बेटा यहाँ पे 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई उपग्रह का वेग, उपग्रह की स्पीड, यानी कि स्पीड से किलोमीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड 3.08, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से वो वेग से कृत्रिम उपग्रह 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बताया गया है आपको। ठीक है, अब ये उदाहरण दो जो है वो इसी उदाहरण के आधार पर पूछा गया है कि पिछले उदाहरण एक में उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब एक परिक्रमा 24 घंटे में एक पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करती है। उसी तरह जो आपको ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बताई गई है और उसकी जो उसका जो वेग बताया गया है v, यानी कि चाल जो आपको यहाँ पे ज्ञात करनी थी वो हमने यहाँ पे ज्ञात की हुई है, वो चाल आपको यहाँ पे दी गई है 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके आधार पर आपको पृथ्वी को सॉरी उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। तो माना यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा को टी समय में पूर्ण करता है, मतलब लगने वाला समय मान के चलते हैं कि टी है, और परिक्रमा को पूरा करने में तय की गई दूरी अर्थात कक्षा की परिधि है 2 पाए आर, और यदि कक्षा की त्रिज्या आर है तो उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी की परिधि होगी 2 पाए आर। इस प्रकार से उपग्रह के एक परिक्रमा के लिए लगने वाला समय निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको लगने वाला समय जो है वो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या यानी कि जो छोटा आर होगा वो हमें यहाँ पे आर धन एच ये लेना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वेग का सूत्र क्या है, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है यानी कि परिधि, जो परिक्रमा कर रहा है उपग्रह, उपग्रह जिस वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है उसकी जो परिधि है वो होगी बेटा 2 पाए आर। ठीक है, उसको हम लोग दूरी कहेंगे। ठीक है, ये पूरी वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए जितना समय उसको लगेगा वो उसी की दूरी होगी, और वो होगी दूरी यानी कि उस परिक्रमा करने वाले उपग्रह की परिधि यानी 2 पाए आर, और उसको लगने वाला समय यानी कि कैपिटल टी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। परंतु यहाँ पे जो छोटा आर है वो आर यानी कि उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या है जो कि आर धन एच हमको यहाँ पे लेना है। ठीक है, आर यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या और एच यानी कि पृथ्वी से उपग्रह की दूरी ऊंचाई वो है आर धन एच। ये यहाँ पे आर धन एच यानी कि स्मॉल आर हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे सूत्र लिख लिया कि वी बराबर 2 पाई आर बटे टी, परंतु हमको यहाँ पे तो समय निकालना है ना, तो समय यानी कि टी बराबर क्या होगा, यही सूत्र बदलेगा, 2 पाई आर बटे वी हो जाएगा। तो 2 पाए आर की जगह पे हमने आर धन एच रख लिया है और वी की जगह पे हमें जो अभी हमने संख्या ज्ञात की हुई है वो रख लेनी है। तो हमने यहाँ पे वी की संख्या रख ली है, 2 की संख्या जैसे कि वैसे ही रखेंगे, पाए यानी कि 3.14 गुना आर यानी क्या होता है बेटा, आर यानी कि बड़ी संख्या, आपको आर यहाँ पर दी गई है 6,400 किलोमीटर। धन एच यानी कितना है, 35,780 किलोमीटर। ये दोनों को इस तरह से लिख लिया, इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 3.14 गुना 2 यानी कि 6,628 गुना इसका जो उत्तर आएगा, उन दोनों को गुणा करेंगे और 3.08 से भाग देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आता है बेटा 86,003.38 सेकंड। अब
ये जो सेकंड आपने यहाँ पे ज्ञात किए हुए हैं, ये सेकंड यानी कि अगर इन सेकंडों को हम लोग घंटे के स्वरूप में अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 23.89 घंटे, यहाँ पर 23 घंटे 54 मिनट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है 24 घंटे यानी कितना सेकंड होते हैं? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, 24 घंटे के सेकंड अगर हम लोग को ज्ञात करने हैं तो कैसे करेंगे? 24 गुना 60 गुना 60 60 सेकंड गुना 60 मिनट गुना 24, ये अगर करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आता है बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने गुना भी किया हुआ है, 24 से 60 से गुना करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा उसको भी दोबारा 60 से गुना करेंगे तो आपको उत्तर मिलता है 86,400। 86,400 ये है आपके सेकंड, ठीक है। तो ये जो सेकंड आपको मिलते हैं इसमें थोड़े से कम अगर सेकंड यहाँ पे देखें तो 86,003 सेकंड यानी कि 23 घंटे 54 मिनट आपको यहाँ पे उत्तर मिल रहा है, ठीक है। लगभग 24 घंटे लगने वाला जो समय है वो हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है उपग्रह का, ठीक है। तो इसीलिए उपग्रह को 35,780 किलोमीटर ऊंचाई पर उच्च कक्षा पर भूस्थिर उपग्रह इसीलिए कहा जाता है कि वो लगभग पृथ्वी के समान गति से घूमता है, इसीलिए उसे भूस्थिर उपग्रह कहा जाता है। तो यहाँ चाल किलोमीटर प्रति सेकंड इस इकाई में ली गई है, इसलिए त्रिज्या भी किलोमीटर इस इकाई में लेना है। तो यहाँ पे भी हमने त्रिज्या को किलोमीटर के हिसाब से लिया हुआ है, इसीलिए आर धन एच को जो है हमने किलोमीटर में ज्ञात किया हुआ बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों जो हल किए गए उदाहरण हैं इसको आप लोग अपनी पक्की कॉपी में अच्छे से लिखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। इस गणितों को परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप लोग करके जरूर देखिए। अगली भाग की तरफ चलते हैं, वो है बेटा हमारा उपग्रह प्रक्षेपक, जो कि रॉकेट की संरचना यहाँ पर जो दी गई है इसी के पैटर्न में ये उपग्रह को छोड़ा जाता है, ठीक है। इनको किस तरह से छोड़ा जाता है अब मैं जरूर आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस आकृति को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, समझाकर आपको जरूर, क्योंकि आपने एक सामान्य रॉकेट दिवाली में जरूर छोड़ा होगा और जैसे ही आप उसकी बारूद को जलाते हैं तो वो जो बाती होती है, बाती को जलाते हैं हम लोग, तो वो बारूद से तुरंत निकलकर बहुत दूर तक ऊंचाई पर उड़ता है, तो पीछे हवा और बहुत तेजी से द्रव छोड़कर, मतलब सॉरी द्रव नहीं कहेंगे हम लोग उसे, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी बिजली की परते छोड़ते हुए वो रॉकेट को ऊपर तक लेकर जाता है ना। ऐसे ही एक रॉकेट की संरचना यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको नीचे वाला भाग समझा के बताता हूँ कि इसमें चार खंड बनाए गए बेटा, जो चारों खंड एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक खंड छूट कर निकल जाता है तो दूसरा खंड तुरंत प्रज्वलित हो जाता है, और दूसरा खंड निकल जाता है तो तीसरा खंड तुरंत प्रज्वलित हो जाता है, और तीसरा खंड निकल जाता है तो चौथा खंड तुरंत प्रज्वलित होकर जो उपग्रह की सबसे ऊपर वाली जो संरचना है उसको एक स्थिर गति में रखने में, आपकी कृत्रिम उपग्रह को बनाने में रखने में आपकी मदद करता है। तो ये तीनों खंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस तरह से जोड़े जाते हैं कि पहला जो खंड होता है इसमें घन ईंधन पर कार्य करने वाला प्रारंभिक धक्का निर्माण करने वाले इंजन लगाए जाते हैं। इस इंजन की गति इतनी ज्यादा होती है कि वह निकलते समय बहुत ज्यादा मात्रा में धक्का भी देते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रज्वलित करते हैं। तो यह हो गया हमारा पहला ईंधन, घन ईंधन कि जिस पर धक्का निर्माण करने वाले इंजन लगाए हुए होते हैं। दूसरा जो खंड होता है ये बहुत सारे पहले खंड को लगे हुए घन ईंधन पर कार्य करने वाले धक्का देने वाले कुछ इंजन लगाए गए हैं। फिर इसके ऊपर होता है बेटा हमारा पहला खंड, पहले खंड में ईंधन पर कार्य करने वाला घन ईंधन पर कार्य करने वाला ये पहला खंड होता है। जैसे ही ये पहला खंड एक उचित सीमा तक पहुंचता है ये तुरंत छट जाता है, यहाँ से निकल जाता है बाहर, और ये दूसरा जो खंड है वो प्रज्वलित हो जाता है तुरंत जलने की वजह से और ये कार्य करने लगता है। तो ये जो ईंधन होता है ये द्रव ईंधन होता है, ये जो यहाँ पर जो लाल रंग के ईंधन दिखाए गए हैं ये द्रव ईंधन है बेटा। जब ये रॉकेट उड़ता है तो अपनी कक्षा के साथ उसे हर एक ईंधन को भी
लेकर उड़ना पड़ता है, तो इस वजह से इसकी जो इसका जो भार होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही एक एक खंड निकल जाते हैं तो इसका भार कम कम होता है और ये और ज़्यादा गति से वेग से प्रवाह मतलब प्रवाह से मतलब ऊपर तक उड़ने लगता है। जो तीसरा खंड है ये घन ईंधन पर कार्य करने वाला तीसरा खंड होता है, और जो चौथा खंड है बेटा वो द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला खंड होता है, और सबसे ऊपर में यहाँ पे लगा हुआ होता है उपग्रह रखने की जगह। ये सबसे ऊपर में जैसे ही ये द्रव चौथा खंड खत्म हो जाता है तो ये उपग्रह को एक अपनी कक्षा में प्रस्थापित कर देता है और उसकी स्थिति में वो अपने आप पहुंच जाता है। ये देखिए आकृति क्रमांक 10.5B स्पेस शटल में जब ये खंड पहुंच जाता है तो ये प्रक्षेपित किया गया उपग्रह विशिष्ट कक्षा में स्थिर हो जाता है और स्पेस शटल वापस आ जाता है। तो ये जो स्पेस शटल नीचे गिरने वाली बाकी के जो भाग होते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं बेटा, और ये जमीन पर आते ही इसका उपयोग पुनः हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए वो इसी तरह से मतलब वो पूरे डैमेज हो गए होते हैं। इसी वजह से जब भी हम लोग उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं या फिर उसको स्पेस शटल में छोड़ते हैं या स्पेस में छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। परंतु अमेरिका ने ऐसा एक स्पेस शटल बनाया बेटा कि जिसमें केवल ईंधन की टंकी ही बर्बाद होती है, बाकी पूरा भाग वापस आता है और पृथ्वी पर आ जाने की वजह से उसमें पुनः उसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है बेटा। तो ये अमेरिका ने बहुत ही सुंदर ऐसा एक इन्वेंशन किया हुआ है जो कि भारतीयों को करने के लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी कक्षा की गति के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उपग्रहों की को उनकी निर्धारित कक्षाओं में क्या क्या पहले स्थापित किया जाता है बेटा, और स्थापित कर लेने के बाद आप लोग ये पैरा पढ़ लेना, मैं शॉर्टकट में आपको इसे बताना चाहता हूँ कि जब भी इसको उपयोग में लाया जाता है कि इसको न्यूटन के तीसरे नियम के गति विषयक नियम के आधार पर इस उपग्रह प्रक्षेपक को बनाया गया बेटा, मतलब न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग इसमें किया गया है। तो प्रक्षेपक में विशिष्ट प्रकार का ईंधन उपयोग में लाया जाता है और जब ये ईंधन जलता है तो इससे गर्म निकलने वाले गैसेस के आधार पर ये जो प्रक्षेपक की पूंछ के साइड में लगाया गया होता है, सबसे आखिरी में लगाया होता है, तो ये प्रचंड वेग से ऊर्जा बाहर निकालता है और ये ऊर्जा जो है वो प्रक्षेपक को एक धक्का देती है और ये धक्का देने की वजह से प्रक्षेपक जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाता है। अब उपग्रह का भार इतना ज़्यादा होता है कि उसकी ऊंचाई पहले ही उसको प्रस्थापित करते समय ही स्थित की जाती है, ऊंचाई पहले से ही डिसाइड की जाती है कि वो कितनी ऊंचाई पर जाने वाला है और उसी ऊंचाई पर उसे छोड़ना है। तो उस वजह से उसकी रूपरेखा वो प्रक्षेपक की रूपरेखा बनाई जाती है, निश्चित की जाती है, और इसको लगने वाला जो ईंधन है वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि प्रक्षेपक उसे लेकर ही उड़ता है, और प्रक्षेपक जब इसे लेकर उड़ता है तो बहुत अधिक भार होने की वजह से वो खंडों में विभाजित करना पड़ता है, और वो खंडों में विभाजित इसलिए करना पड़ता है कि खंड एक एक खंड जैसे जैसे खत्म होते हैं वैसे वैसे दूसरा खंड उसके आगे आने वाला खंड शुरू हो जाए। और इस युक्ति के कारण प्रक्षेपक ने उड़ान भरने में पश्चात क्रमशः अपना भार धीरे धीरे कम करता रहता है। उदाहरणार्थ यहाँ पे दो खंडों के बारे में आपको जानकारी बताई गई है कि माना कि कोई प्रक्षेपक में दो खंड हैं और प्रक्षेपक की उड़ान के लिए पहले खंड का इंजन ईंधन और इंजन दोनों उपयोग में लाया है, तो इस प्रक्षेपक को एक निश्चित वेग और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पहले खंड का ईंधन समाप्त होने के पश्चात खाली टंकी और उसको लगा इंजन प्रक्षेपक इससे मुक्त होकर नीचे समुद्र में आकर गिर जाता है, और गिर जाने के पहले ही जो दूसरा खंड हमने लगाया हुआ था प्रक्षेपक के ऊपर वाली सतह की जगह पर वो शुरू हो जाता है, वो प्रज्वलित हो जाता है। तो पहले खंड का ईंधन समाप्त होते ही दूसरे खंड का ईंधन प्रज्वलित हो जाता है, और प्रज्वलित होते ही दूसरा खंड जो है वो अपना भार बहुत कम होने की वजह से अधिक वेग से सफर करने लगता है, और सामान्यतः सभी प्रक्षेपक एक दो या अधिक खंडों से भी बनाए गए होते हैं, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई आपको करनी है उतने ज़्यादा खंड यहाँ पर हमको लगाने होते हैं। उदाहरणार्थ के तौर पर आकृति 10.5 में भारत की इसरो इस संस्था ने बनाए हुए एक प्रक्षेपक
पीएसएलवी का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो चित्र आपको यहाँ पे दिया गया बेटा, ये इसरो से बनाए हुए पीएसएलवी प्रक्षेपक की बाह्य रूपरेखा आपको बताई गई है। आंतरिक रूपरेखा कुछ अलग होती है, ये आपको नहीं दी गई है और आपको इसको पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे देखिए बेटा, तीन दो स्टेजेस आपको दिए गए हैं। जब यहाँ पर स्पेस शटल में जाने वाला प्रक्षेपक बनाया गया, तो ये जो लाल भाग है ये भाग नीचे गिर जाता है और जो हरा रंग का भाग है वो यहाँ पर स्थित अपनी जगह ले लेता है और अपने आप इस कृत्रिम उपग्रह में अब खुद को ढाल देता है, बदल देता है। और ये है प्रक्षेपित किया गया उपग्रह जो कि विशिष्ट कक्षा में स्थिर हो गया है और स्पेस शटल में घूम रहा है। बाकी क्या, इसका जो भाग है लाल भाग वो वापस आ जाता है बेटा, ठीक है। ईंधन की टंकी का अलग होकर गिर जाना, ये जो हरा भाग है ये ईंधन के टंकी का हरा मतलब गिर जाने वाला भाग यहाँ पर दर्शाया गया है। और माफ कीजिए, ये जो लाल भाग है, ये लाल भाग ही हमारा स्पेस शटल है जो कि एक विशिष्ट गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भाग आज मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़िए। इसके ऊपर प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं तो आपको इसका उत्तर लिखना आना चाहिए बेटा। जो चार खंड आपको बताए हैं, दो खंड वाला, चार खंड वाला प्रक्षेपक किसी भी आकार का हो, इसे उपग्रह के नाम से इसी तरह से प्रज्वलित किया गया होता है। अगले भाग में हम लोग पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।